Hey guys, welcome back to this Python tutorial। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे how to take dictionary as a input। डिक्शनरी एज ए इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक एग्जिस्टिंग एम्प्टी डिक्शनरी होनी चाहिए जिसमें हम इंसर्ट करेंगे न्यू एटम्स। तो सबसे पहले मैं यूजर के सामने एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा, इनपुट हाउ मेनी स्टूडेंट्स। सो यूजर क्या करेगा, स्टूडेंट का नंबर एंटर करेगा। सपोज देयर आर 4 स्टूडेंट, वो एक इंटेजर वैल्यू होगा। सो उसको टाइप कास्ट कर देते इंटेजर में एंड असाइन करते टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल n। देन हम फॉर लूप चलाएंगे फॉर द n नंबर ऑफ टाइम्स। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ, रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। गाइज अगर आपको फॉर लूप क्या है, रेंज फंक्शन क्या है, इनपुट फंक्शन क्या है, टाइप कास्टिंग क्या है, इसके बारे में नहीं पता है तो मेरा पूरा प्लेलिस्ट आप फॉलो कीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देन कोलन लिखना है, इसके अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे। की एंड वैल्यू, यहाँ पे हमारा की क्या है, स्टूडेंट का नाम, एंड वैल्यू क्या है, स्टूडेंट का फीस। सो हम इनपुट लेते हैं एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम एक स्ट्रिंग होता है, सो यहाँ पे टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज अ नेम, इट इज अ की गाइज। एंड स्टूडेंट का इनपुट लीजिए फीस, एंटर फीस ऑफ स्टूडेंट। सो फीस एक फ्लोट वैल्यू होता है, सो इसको टाइप कास्ट कर देते हैं। इवैल फंक्शन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इवैल फंक्शन पे सेपरेट वीडियो आने वाला है जल्दी। सो ये होगा फी, दिस इज अवर वैल्यू। एंड देन हमें क्या करना है, एक की वैल्यू पेयर बना के इस स्टूडेंट डिक्शनरी में इंसर्ट करना है। आप इसके लिए अपडेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली स्टूडेंट डिक्शनरी का नाम, यहाँ पे जो की होने वाली है वो है नेम, एंड इसका जो वैल्यू होने वाला है वो है फी, यहाँ पे लगा देता हूँ। सो एक की वैल्यू पेयर इंसर्ट हो जाएगा। देन प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट डिक्शनरी को, सेव एंड रन। सो गाइस हमेशा पावर शेल में मैं प्रोग्राम रन करता हूं क्योंकि ये स्क्रीन बड़ा दिखता है। पाई एग्जाम्पल डॉट पाई, आप यहाँ पे भी ग्रीन बटन लगा के यहाँ से भी रन कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा दिखता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सपोज आई हैव 3 स्टूडेंट्स, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, सपोज जय, एंटर फीस 12,000, राज having fees 11,000 and Ram having fees 8,000. So you can see एक डिक्शनरी बना जिसमें ये 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। आप यहाँ पे while loop का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज मैं क्या कर देता हूँ, while loop का यूज करता हूँ। while true मतलब ये हमेशा true रहेगा। सो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे इस लूप को ब्रेक कर देंगे। अब ये लेने की जरूरत नहीं है एज ए इनपुट, मैं यूजर से इनपुट लूंगा। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, यूजर आइदर यस एंटर करेगा और नो एंटर करेगा। बेस्ड ऑन यूजर आंसर हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, ans वेरिएबल, आंसर वेरिएबल। सबसे पहले इसको लोअर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों लोअर में कन्वर्ट करना है अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियोस जाके देखिए। देन हम क्या करेंगे, इफ आंसर नॉट इक्वल टू, आंसर नॉट इक्वल टू अगर यस होता है मतलब अदर देन यस होता है तो हम ब्रेक करेंगे। मैं इसे रन करता हूं, रन करने के बाद आप देखिए एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, मैं राज एंटर करता हूं। देन स्टूडेंट का फीस 12,000, ये बोलेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस आई वांट टू कंटिन्यू। यहाँ पे मैं जय एंटर करता हूँ, इसका फीस सपोज 11,000। अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, मैं नो एंटर कर देता हूँ, देखिए। सो इन दोनों में से आप कौन सा भी वे यूज कर सकते हैं, और भी हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है, ये हम बाद में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।